नमस्कार, स्वागत है फिर से म्यूजिक गैंगवे में। जैसा कि पिछला जो दो वीडियो गया है उसमें 100-100 एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज मैंने भेजा है और आप सभी ने देखा है। जो लोग नहीं देखे हैं पहला और दूसरा टेस्ट सीरीज देख लीजिए। आज के इस वीडियो में तीसरा टेस्ट सीरीज देखेंगे, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे और ये भी 30 से 35 मिनट के अंदर हम लोग खत्म करेंगे। वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भरत काल में वाद्य वृंद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुतुब, तूर्य, अलापक, अलापचक, सनिपात। तो इसमें सही आंसर जो होगा, भरत काल के वाद्य वृंद के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, तो वो कुतुब शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दो नंबर देखते हैं, भरत और दत्तिन के अनुसार वाद्यों कितने प्रकार बताए गए हैं, 2, 3, 4, 5। तो इनके अनुसार 3 प्रकार बताए गए हैं। आइए आगे देखते हैं, भरत ने तत्ववादियों की वादन क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, सनिपात, करण, फतह, धात। तो उन्होंने वाद्यों तत्ववादियों के लिए धात शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर, महर्षि नारद के अनुसार वाद्यों कितने प्रकार बताए गए हैं, 2, 3, 4, 6। तो ये भी 3 ही बताए थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे संगीत रत्नाकर के अनुसार वाद्य कितने प्रकार के बताए गए, 3, 4, 5, 6। तो संगीत रत्नाकर में वाद्य के 4 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया, तानसेन द्वारा रचित ध्रुपदों में कितने प्रकार का वाद्यों का उल्लेख है, 3, 6, 4, 5। तो इनके ध्रुपदों में भी 4 प्रकार के वाद्यों का उल्लेख है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। साम गान में प्रचलित ऐसे वाद्य का नाम बताइए जिसके स्वर स्थिर थे और उसी के आधार पर बीड़ा मिलाई जाती थी, वाण, वेणु, कांड बीड़ा, तंजौरी बीड़ा। तो साम गान में प्रचलित जो वाद्य था जिसके आधार पर बीड़ा मिलाई जाती थी उसको क्या कहते थे, वेणु कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, विचित्र वीणा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा, तंजौरी वीणा, बट्टा वीणा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, विचित्र वीणा को बट्टा वीण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विचित्र वीणा वादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, मिजराब, बट्टा और मिजराब, जावा और मिजराब, गज और मिजराब, ठीक है। तो बताइए विचित्र वीणा वादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए, ये हो जाएगा आपका जावा और मिजराब, ठीक है। यहां दिया है, विचित्र वीणा में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है, 4, 6, 8, 10। तो विचित्र वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, आपका सही आंसर बताइए। ये इसमें तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है, 6 होता है। यहां पे दिया है, कच्छपी वीणा में कितने तार होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो कच्छपी वीणा में आपके 2 तार होते हैं, ठीक है ना, 2 तार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 12 नंबर, एक तंत्री वीणा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अलापनी, घोषा, अमृत कुंडली। तो एक तंत्री वीणा को घोषा वीणा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलापनी वीणा में कितने तार होते हैं, 3, 5, 6, 4। अलापनी वीणा में सही ऑप्शन क्या होगा, बताइए, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तीन हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए, नकुली बीणा में कितने तार होते हैं? 2, 3, 4, 6। नकुली बीणा में कितने तार होते हैं? तो नकुली बीणा में 2 होते हैं। कच्छपी और नकुली बीणा में 2 तार होते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वाद्य को गज से बजाया जाता है? सितार, सरोद, इसराज, रुद्र बीणा। तो इसमें इसराज को गज से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नारद द्वारा प्रयोग की गई वीणा को किस नाम से जाना जाता है? विपंची, वितंत्री, महिता, महती और ये घोषिका, ठीक है। तो नारद जो थे एक महंत थे और ये महती वीणा है, ठीक है ना। ब्रह्म वीणा में तारों की संख्या होती है 4, 8, 6, 7। तो ब्रह्मा वीणा में तारों की संख्या 6 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सितार में आलाप जोड़ तथा झाला वादन के पश्चात कौन सी गत बजाई जाती है? रजा खानी गत, रुद्र ख्याल, द्रुत ख्याल, विलंबित ख्याल, मसित खानी गत। तो सितार में आलाप जोड़ तथा झाला के बाद मसित खानी गत बजाई जाती है, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चल ठाट के सितार में पर्दों की संख्या कितनी होती है? 15 से 17, 16 से 19, 20 से 21, 21 से 23। चल थाट में 16 से 19 होते हैं, ठीक है ना। देखिए 13, 16, कहीं 19 और 24 तक पर्दे दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका 16 से 19 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है अचल थाट के सितार में कितने पर्दे होते हैं? 17, 24, 21, 19। तो कहीं कहीं पे 24 दिखाता है, कहीं 22, कहीं 19, ठीक है। तो ये 19 हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन सवाल है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिखाता है। सितार में चिकारी का तार कहाँ मिलाया जाता है? मंद्र सड़ज, मध्य सड़ज, पंचम तार सड़ज। तो चिकारी का जो तार होता है वो तार सड़ज में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? मध्यम, पंचम, मंद्र, मध्यम, यहाँ पे मंद्र पंचम। तो सितार में जो बाज के तार होते हैं मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक मर्दाना गायकी है, टप्पा, ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद। तो ध्रुपद एक मर्दाना गायकी है, ठीक है ना। इसके लिए गले की तैयारी और दमदारी दिखानी पड़ती है। वायलिन में कितने तार होते हैं? 4, 6, 5, 7। तो वायलिन में 4 तार होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर, यहाँ पे जल तरंग वादन के लिए प्याले किस प्रकार रखे जाते हैं, ठीक है। अर्धवर्गकार, त्रिकोणीय, अर्धचंद्रकार, समांतर रेखा। तो इसमें अर्धचंद्रकार सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिलरुबा में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5, 6। दिलरुबा में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है? 26 नंबर क्वेश्चन बताइए। देखिए दिलरुबा में मुख्य तारों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक है ना, 4 होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं, तानपुरे के दोनों सड़ज के तार किस सप्तक से मिलाए जाते हैं? जो बीच वाले अति मंद, मंद, मध्य तार। तो दोनों जो तार होते हैं मध्य सड़ज से मिलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हुड़का किस श्रेणी का वाद्य है? तत, औनद, घन, सुशील। तो हुड़का जो है चमड़े से बना होता है, ये औनद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है, रावण हत्था वाद्य किस श्रेणी में आता है? तत में, औनद में, सुशीर में, घन में, ठीक है। तो रावण हत्था जो है वो आ जाएगा आपका तत में, ठीक है ना। रावण हत्था ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा बना होता है, मिट्टी का रहता है, तो इसको क्या कहते हैं? तत। रावण हत्था तत्वाद्य है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, ये भी एक मॉक टेस्ट है, और 100 में कितना सही कर रहे हैं ये जरूर कमेंट्स कीजिएगा, जैसा कि आप लोग करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ताल की कितनी जातियां बताई गई है? 1, 5, 7, 3। तो ताल की जाति जो बताई गई है वो है 5, ठीक है। ये कई बार मैं बताया हूं।
यहाँ पे ताल के कितने प्राण होते हैं? 5, 10, 12, 15। तो ताल के जो प्राण होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ताल गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं? 4, 3, 2, 1। तो ग्रह जो है वो 4 बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, फटाफट। परन क्रिया किस विधा से संबंधित है? गायन, तबला, नृत्य, सितार। तो परन जो है वो तबला से संबंधित है, ठीक है। कायदा, परन, पाल्टा, ठीक है, रेला। ये तबले की पूरी में चमड़े की कितनी परत होती है? 2, 3, 4, 5। तबले की पूरी में चमड़े की कितनी परत होती है? तो 3 होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तबले पर दोनों हाथों से बजने वाला वर्ण कौन सा है? क, गे, धी, कत। तो वो है धीम, ठीक है। धी को दोनों हाथों से बजाते हैं एक साथ, बाया दाया दोनों एक साथ बजते हैं। तबले की स्याही किस चीजों से तैयार की जाती है? तबला चूर्ण, काली स्याही, दाल, लौह चूर्ण, कोयला, पक्का चावल। लौह चूर्ण कच्चा चावल, तंबा दाल। तो ये लौह चूर्ण, कोयला और पक्का चावल से बनाया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ तबले की पूड़ी बनाने के लिए किस जानवर की खाल का प्रयोग होता है? शेर की खाल, बैल की खाल, बकरी की खाल, सुअर की खाल। तो बकरी और ऊंट की खाल का प्रयोग होता है। इसमें बकरी दिया है, बकरी की जो खाल होती है वो उससे तबले बनाए जाते हैं। 5, 2, 3, 4 विभाग वाले ताल का नाम बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपचंदी, आड़ाचार ताल, धमार ताल, एक ताल, ठीक है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा धमार ताल, ठीक है। यहाँ पे दिया है 4, 4, 4, 4 के विभाग का ताल है। कौन ताल है? जत ताल, एक ताल, मत ताल, पंजाबी ताल। तो वो हो जाएगा पंजाबी ताल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया है बसंत ताल में कितनी मात्राएं होती है? 9, 10, 11, 12। तो बसंत ताल में 9 मात्राएं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म ताल में कितने विभाग होते हैं? विभाग पूछ रहा है। 12, 18, 14, 28। तो ब्रह्म ताल में 14 विभाग होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं? 5, 7, 9, 11। तो रुद्र ताल में 11 विभाग होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। यहां दिया है लक्ष्मी ताल में कितनी मात्राएं होती है? 14, 16, 18, 20। तो लक्ष्मी ताल में 18 मात्राएं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है पश्चात स्वर लिपि पद्धति में कितने प्रकार की स्वर लिपियां आती है? 4, 5, 6, 3। तो पश्चात स्वर लिपि में 4 प्रकार की स्वर लिपियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन है यहाँ पे दे दिया गया है। डोरे में फा सोल ला सी किस पद्धति का स्वर लिपि है? सोलफा स्वर लिपि पद्धति, चिब, न्यूमस, स्टाफ। ये 4 पश्चात स्वर लिपियां है। और डोरे में फो सोल ला सी ये भी क्वेश्चन आता है, ये सोलफा स्वर लिपि है। पूछ देगा कि रे के लिए पश्चात स्वर लिपि में कौन सा वर्ण प्रयोग किया गया या सोल किस स्वर को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सोलफा मंद सप्तक दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? नीचे पड़ी लकीर, ऊपर पड़ी लकीर, ऊपर खड़ी लकीर, ऊपर बिंदु। तो इसमें मंद सप्तक के लिए नीचे पड़ी लकीर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में स्वरों को किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? स्वरों ऐसे 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 ऐसे, तो उसके लिए आपका ऐसे प्रयोग किया जाता है। ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। किसके लिए? स्वरों को, स्टाफ स्वर लिपि में स्वरों को किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोमल स्वरों के लिए होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ वही चीज दिया है यहाँ पे कोमल स्वर के लिए, ठीक है। कोमल स्वर के लिए यहाँ पे फिर से रिपीटेड किया है। ये देखिए स्टाफ स्वर लिपि में कितने लाइनों का प्रयोग होता है? 11, 13, 12, 15। तो स्टाफ स्वर लिपि में 11 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पंडित राम चतुर मल्लिक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, आगरा। तो सभी लोग जान गए हैं इनका जन्म बिहार में हुआ था, अमता दरभंगा में, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। यहां पे दिया है 51 नंबर क्वेश्चन, पश्चात संगीत किस पर आधारित है, हारमोनी, टाइम सिग्नेचर, स्टाफ नोटेशन, सभी। तो ये सभी पे आधारित है, ठीक है ना, पश्चात संगीत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक स्वरों का मधुरता से प्रयोग क्या कहलाता है, सेमी टोन, हारमोनी, नोटेशन, कोई नहीं। तो उसको हम लोग हारमोनी कहते हैं, ठीक है ना, दो अधिक मधुरता से प्रयोग को क्या कहते हैं, हारमोनी कहते हैं। स्वरों का क्रमिक प्रयोग को क्या कहते हैं, हारमोनी, स्टाफ, मेलोडी, क्लैफ। तो स्वरों के क्रमिक प्रयोग को हम लोग मेलोडी कहते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे लय के अंतर्गत आरंभ, बीच तथा अंत में एक सा लय का होना यति का कौन सा प्रकार है, मृदंगा, समा, पिपीलिका, गुपुक्षा, ठीक है, ये अति के प्रकार है, तो इसको हम लोग समा कहते हैं, ठीक है ना। सब बीच और आरंभ और अंत में एक समान लय हो उसको समा कहते हैं, और जो यति में द्रुत लय से आरंभ होकर क्रमशः मध्य और फिर विलंबित लय में होते हैं उसको क्या कहते हैं, गुपुक्षा, मृदंगा, श्रुतगता, पिपीलिका, तो उसको हम लोग गुपुक्षा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है ताल की कितनी जातियां मानी गई है, ये बता दिया है ताल की 5 जातियां है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, ताल में ग्रह कितने होते हैं, 2, 3, 1, 4। तो ताल में ग्रह 4 बताए गए हैं, ठीक है, ताल में ग्रह 4 है, कहाँ कहाँ कौन कौन, विषम ग्रह, सब ग्रह, अतीत ग्रह, अनागत ग्रह, ये 4 ग्रह है। और जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको समग्रह कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 59 नंबर, जब सम निकलने के बाद गीत शुरू हो तो उसे क्या कहते हैं, समग्रह, अतीत ग्रह, विषम ग्रह, अनागत ग्रह। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सम निकलने के बाद, तो उसको विषम ग्रह कहेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तबले के मुख्य कितने वर्ण माने गए हैं, 9, 15, 10, 16, 6। तो तबले के मुख्य वर्ण जो है 10 माने गए हैं, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, जिन बोलों को बजाने के बाद तबला की गूंज दे उसे क्या कहते हैं, खुले बोल, बंद बोल, उपयुक्त में से, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो हो जाएगा खुले बोल, ठीक है। खुले बोल के जो ताल होते हैं उसको बजाने पर गूंज उत्पन्न होती है। जब दाएं हाथ से खुला बोल 3 तथा बाएं हाथ से ग का बोल एक साथ बजाए जाए तो कौन सा बोल बजेगा, दिन, धा, धिन, तिट, तो वो हो जाएगा धिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 63 नंबर, निम्न में से कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है, ग, ता, क, त। तो इसमें जो ता शब्द है ये बाएं वाले बोल से नहीं बजता है, ये दाहिने से बोलता है, ठीक है, ता, तू। चलिए निम्न में से कौन सा बोल दाएं हाथ से नहीं बजता है, दाएं हाथ से नहीं बजता, अच्छा, ता, तू, ग, दिन। तो ये हो जाएगा आपका दाएं हाथ से नहीं बजता है, ग हो जाएगा, ठीक है ना, ग जो है ये बाएं हाथ से बटेगा, ठीक है ना, ता भी बजेगा, तू भी बजेगा और दिन भी बजता है, ये दाएं हाथ से बजता है, तो हो जाएगा ग। एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 10, 12, 14, 8। तो एक ताल में 12 मात्रा होती है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक ताल में कितनी मात्राएं होती है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। आड़ा 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है, 10, 12, 14, 16। तो आड़ा 4 ताल में 14 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है, आड़ा 4 ताल, धमार, दीपचंदी, टप्पा। तो ये तीनों 14 मात्रा का है, टप्पा जो है पंजाबी टप्पा 3 ताल होता है 16 मात्रा का। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ताल 6 मात्रा की है, खेमटा, झपताल, रुद्रताल, टप्पा ताल। तो इसमें खेमटा जो ताल है ये 6 मात्रा का ताल है। अगला क्वेश्चन क्या है, 70 नंबर, मत ताल कितनी मात्रा की होती है, 16, 15, 18, 17।
तो मत ताल जो होती है ये 18 मात्रा की होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 16 मात्रा की ताल का नाम बताइए, तिलवाड़ा, धमार, शिखर, रुद्र। तो इसमें तिलवाड़ा जो है तीन ताल के समान होता है, ये हो जाएगा। यहाँ दिया है ब्रह्म ताल की कितनी, ब्रह्म ताल कितनी मात्राओं की ताल है, 20, 27, 35, 28। तो ब्रह्म ताल जो है 28 मात्रा की ताल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपका 73 नंबर क्वेश्चन, 15 मात्रा की निम्न में से कौन सी ताल है, गणेश, गजदंपा, रुद्र, बसंत। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, टप्पा ताल कितनी मात्रा की ताल है, 16, 14, 12, 10। सही ऑप्शन हो जाएगा 16, ठीक है, कितना हो जाएगा 16, ठीक। अगला दिया है पश्तो ताल कितनी मात्रा की ताल है, 11, 9, 5, 7, ठीक है। पश्तो ताल कितनी मात्रा की ताल है इसको देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन, ये जो है 7 मात्रा की ताल है, ठीक है ना। दिया है चौ ताल कितनी मात्रा की ताल है, 18, 10, 12, 14। तो ये चार ताल जो है 12 मात्रा की ताल है, चौ ताल को ही चार ताल बोलते हैं। रूपक ताल के समान कौन सी ताल है, ठीक है, तो रूपक ताल में 7 मात्रा होती है। अब देखिए 7 मात्रा वाली कौन ताल है, सुर ताल, धमार ताल, विश्रु ताल, तीव्र ताल। तो जो तीव्र ताल होता है ये 7 मात्रा का होता है, तो इसके समान है, ठीक है। यहाँ पे दिया है आड़ा चार ताल में कितनी बार खाली आती है, 3, 2, 4, 5। तो आड़ा चार 14 मात्रा का ताल है, 7 विभाग है और इसमें खाली जो आती है 3 आती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं धमार ताल के कितने विभाग होते हैं, धमार ताल 14 मात्रा, 3, 4, 5, 7 और विभाग कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना, 5, 2, 3, 4 ऐसे करके विभाग है। गणेश ताल में कितने विभाग होते हैं, 6, 5, 10, 12, गणेश ताल, ठीक है, गणेश ताल। तो गणेश ताल में कितने विभाग होते हैं, इसमें 6 विभाग होते हैं, ठीक है, गणेश ताल देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया है चौ ताल में खाली कितनी बार आती है, 2, 3, 1, 4। चार ताल में 6 विभाग होते हैं, 4 ताली और 2 खाली होती है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पूर्वी थाट जन्य राग कौन सा है। अब देखिए अब रागों से संबंधित क्वेश्चन आ गए, पूर्वी थाट, जौनपुरी, देश, कलावती, बसंत। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बसंत, ठीक है, बसंत पूर्वी थाट राग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा राग कल्याण थाट जन्य है, छायानट, मुल्तानी, तिलक, कमोद, गुड़कली। तो वो हो जाएगा छायानट, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कल्याण थाट के राग को पहचाने, श्री, मधुवंती, हमीर, सोहनी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमीर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राग तोड़ी थाट से आता है, देसी तोड़ी, मधुवंती, विलास खानी तोड़ी, मालकोंस। तो क्या बोल रहा है, तोड़ी, तो तोड़ी में हो जाएगा आपका मधुवंती, ठीक है, क्या हो जाएगा मधुवंती, मधुवंती तोड़ी थाट से है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है मारवा थाट के अंतर्गत कौन सा राग आता है, ललित, पुरिया, धनाश्री, देश, भोपाल, तोड़ी। तो इसमें मारवा थाट का जो है राग होगा वो हो जाएगा ललित, ठीक है, ललित होना चाहिए, ठीक है। ये पूर्वी थाट के राग को पहचाने, पहाड़ी, पुरिया, धनाश्री, पुरिया, कल्याण, पुरिया। तो ये आपका पुरिया धनाश्री जो है पूर्वी थाट का राग है। और यहाँ पे आ गया 88 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राग काफी थाट से है, पटदी, पड़ाना, गौड़, सारंग, कलावती। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पटदीप, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे पूर्वी थाट का राग निम्न में से कौन है, कलिंगड़ा, अड़ाना, श्री, सोहनी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा श्री, ठीक है, श्री पूर्वी थाट से है। यहाँ पे दिया है काफी थाट का राग को पहचाने, देसी, भीमपलासी, रामकली, भटियार। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा भीमपलासी, काफी थाट का राग है। यहाँ दिया है
तोड़ी थाट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राग आता है? सरस्वती, बागेश्वरी, रागेश्वरी, परमेश्वरी। तोड़ी थाट में परमेश्वरी राग आता है, ठीक है। यहाँ 92 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राग मारवा थाट से है? हंस ध्वनि, परज, भटियार, सिरे। तो मारवा थाट पूछ रहा है, इसमें हो जाएगा आपका भटियार, जी भटियार ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कल्याण थाट के राग को पहचाने, देश, केदार, जौनपुरी, संकरा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा केदार, ठीक है, कल्याण केदार थाट का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी थाट का राग निम्न में से कौन सा है? मारवा, वृंदावनी सागरंग, गौड़ सारंग, दरबारी कनाड़ा। तो इसमें काफी थाट का जो है वो हो जाएगा वृंदावनी सारंग। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, निम्न में से कौन सा राग भैरवी थाट में आता है? मधमाद, सारंग, बिलास खानी तोड़ी, अलाना, गुर्जर तोड़ी। तो ये जो बिलास खानी तोड़ी है ये भैरवी थाट से है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, भैरवी थाट के राग को पहचाने, दरबारी, मालकोंस, कौनसी कनाड़ा, मालगुंजी। तो इसमें मालकोंस जो है आपका भैरवी थाट का राग है, ठीक है। यहां देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट जन्य है? ठीक है, मेघ, भोपाल तोड़ी, पहाड़ी, देसी। तो असावरी जो है वो हो जाएगा देसी, ठीक है, देसी हो जाएगा। यहाँ पे असावरी थाट के राग को पहचाने, दुर्गा, कलिंगड़ा, अड़ाना, सूहा। तो इसमें आपका हो जाएगा अड़ाना, ठीक है, अड़ाना जो है असावरी थाट का राग है। 99 नंबर क्वेश्चन है, असावरी थाट के राग को पहचाने, दरबारी, श्री, मधमाद, सारंग, ललित। तो दरबारी जो है असावरी थाट का राग है, राग दरबारी, जौनपुरी, ठीक है, देसी, ये सब असावरी राग है। बिलावल थाट का राग निम्न में से कौन सा है? बिलावल जो सारे शुद्ध है, परस, देश, दुर्गा, जौनपुरी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हो जाएगा सही आंसर इसका दुर्गा, ठीक है, इसमें सा रे म प ध सा, ठीक है, सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, ये हो जाएगा दुर्गा, ठीक है। जबकि जौनपुरी असावरी का हो जाएगा, देश कमाज काफी, और ये परत जो होगा आपका ये भी नहीं है, तो ये दुर्गा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पिलावल थाट का राग निम्न में से कौन सा है, तो ये दुर्गा ही है, ठीक है। अब आइए, आपके पूरे 100 क्वेश्चन तो हो गए जी, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है, जो टेस्ट सीरीज का पहला और दूसरा और तीसरा, ये तीसरा टेस्ट सीरीज है, तीनों का टेस्ट सीरीज चाहे जो भी मैं पढ़ाता हूं उसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है, म्यूजिक गैंगवे, ये टेलीग्राम है, ठीक है ना, टेलीग्राम। और ये अबाउट चैनल में जाएंगे तो वहां पे लिंक मैं डाला हूं, सारे लिंक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहां से टेलीग्राम पे आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम पहले लोड कर लीजिएगा, जो लोग लोड नहीं किए हैं प्ले स्टोर से वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ये सारी चीजें मिलते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और ये सारी मैटर वहां पे फ्री में मिलता है, उसको ज्वाइन करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कुछ चार्जेज नहीं है, ठीक है ना। लोगों को लगता है कि कैसे ज्वाइन करें, हमको ऐड कर लीजिए सर, पेड कोर्स लेना है, या फिर सर मुझे क्लास लेनी है, क्लास लेते हैं, आपके क्लास ज्वाइन करनी है, क्लास कुछ नहीं है, मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ लाइव, या यूट्यूब वीडियो डालता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ डालता हूँ, और जो भी जानकारी होता है यूट्यूब के माध्यम से ही देता हूँ, अलग से मैं कोई पेड कोर्स नहीं कराता हूँ, अलग से क्लास नहीं लेता हूँ, यूट्यूब पे ही क्लास लेता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, नोट्स बनाइए, और सारी जो चीजें हैं एक जगह कलेक्ट करके उसको अब अच्छे से समझना पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम जल्दी होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए,
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।